गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं उठ भी चुकी हूँ। तो आज है शिवरात्रि का दिन और शिवरात्रि के दिन आज मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मम्मी और दीदी पूजा करेगी। तो मैं मम्मी के साथ अभी मार्केट जाऊँगी थोड़ी देर में और मम्मी को पूजा की जो है सब सामान वगैरह मैं खरीदा दूँगी, क्योंकि हमेशा जो है तैयारी मैं करके रखती हूँ तो फर्स्ट टाइम जो है कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मम्मी के साथ मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले घर के कुछ काम है जो निपटाना है, जो हर घर में होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना एंड ऑल। तो उसके पहले मेरा आंगन जो है बहुत गंदा हो चुका है। मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों को पता होगा कि मेरा आंगन जो है घर के पास में आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो अब जो है गर्मी का सीज़न भी आ गया है तो सारे पत्ते, पतझड़ का मौसम, सारे पत्ते गिर गिर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आंगन तो आप लोगों ने देख लिया ना कि कितना ज़्यादा गंदा है, झाड़ू भी पड़ा हुआ है। तो फटाक से जो है साफ़ कर देती हूँ आंगन, फिर किचन के काम निपटा लूँगी, घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी, फिर नहाने के बाद मम्मी के साथ बाज़ार जाऊँगी। मार्केट पहुँचने के बाद सबसे पहले फूल लिया, फल लिया, मिठाई लिया, और आज शिव के साथ शक्ति का भी दिन है। तो मार्केट में एक भैया थे, वो टॉफ़ी का डब्बा लेकर के बैठे थे और हर लेडीज़ को एक एक चॉकलेट दे रहे थे और कह रहे थे कि आज आप लोगों का दिन है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, थैंक यू। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ने क्या कर लिया है अपने घुटने का हाल, इसने जो है अपने घुटने फोड़ लिए हैं। रिशु भैया साइकिल चला रहे थे, पीछे पीछे दौड़ रहा था, ईटा में लग गया और ये गिर गया। तो परी इसको अभी खाना खिला रही है, भाई बहन का प्यार। तो जॉन्टी ने जो है दवा ला दिया है और एक सिरप भी लाया है, तो ये खाने से ये जल्द ठीक हो जाएगा। तो अभी इसे खाना खिला दिया है, वो सेवलॉन डाल के अच्छे से साफ कर दिया, साफ कर दी हूँ मैं, अभी से ट्रीटमेंट करूँगी। मज़ा आ रहा है। सुबह हुई नहीं कि बस, तो अभी अरु का जो है घाव बहुत हद तक आराम है ना, मलम लगा दिए थे तो ठीक है। अभी सुबह से पहले इसे एप्पल दिया है खाने के लिए, और इधर जो है पापा के लिए मैं दलिया बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद म्याव जो है मेरे घर पे आई है, दलिया बना है, खाओगी? नहीं ना, चलो अंदर रहो। शिवरात्रि का दूसरा दिन है तो सालू दीदी और रिशु तो अपने घर चले गए हैं, लेकिन अरु यहाँ पर है, उसने अपने घुटने फोड़ लिए हैं, आपने तो देखा ही वीडियो में, लेकिन अभी उसका बहुत हद तक मलहम पट्टी हो रहा है तो ठीक है। अभी जो है मैं इस हालात में हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको बहुत सजी धजी दिखूंगी, और मैं आपको सजी धजी क्यों दिखूंगी तो वीडियो पूरा देखते रहिए तो आपको पता चलेगा। तो आपसे सज धज के मिलकर बात करते हैं, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। आज मैं इतना ज़्यादा रेडी हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बात कर सकती, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं, वो लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, फिर जब मेरा बुलावा आएगा तो मैं जाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि सूट पहनूँगी, बट मुझे जो सूट पहनना था वो एंड मोमेंट पर इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो दीदी ने बोला साड़ी ही पहन लो, तो मैं साड़ी भी पहन चुकी हूँ, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना
आप लोगों को क्या लगता है वो लोग मुझे इस हुलिया में देख के पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं हाँ। हुआ? नर्वस हुए, क्वेश्चन आंसर हुआ और हम बहुत ज्यादा हंस दिए बेशर्मों की तरह। बस तो ओएल ने पास हो पाई ये तो थोड़ा देर में पता चलेगा। सारा क्वेश्चन आंसर होने के बाद अब मुझे फिर से दोबारा रूम में बुलाया गया है और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। मुझे देखने के लिए आए थे और देखने के बाद इन सब लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है, तो अब मेरी सासू माँ जो है मेरा तिलक कर रही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप लोगों के साथ ये खुशखबरी शेयर करनी तो बनती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को आज बता दूं कि अब मेरा रिश्ता जो है पक्का हो गया है और मेरे घर पे भी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सारा बात हो जाने के बाद और तिलक करने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे गोल्ड का रिंग पहनाया और फिर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसे सिचुएशन में मुझे हंसी आ जाती है। फिर उन्होंने मुझे मीठा खिलाया, मैंने उनका आशीर्वाद लिया और यहाँ सब अब फ़ोटो लेने में वीडियो बनाने में बिज़ी हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान मुझे ये मेरे साड़ी का पल्ला कर रहा था। दीदी हंस रही थी तो मैं उसे इशारा कर रही थी और मुझे देखो मैं अपना साड़ी का पल्ला संभालते संभालते परेशान हो गई। और देखो मेरी सासू माँ ने मुझे एक प्यारा सा सूट, बहुत ही सुंदर सा साड़ी और अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स थे, कुछ पैसे दिए और उन्होंने रिश्ता तय किया और उन्होंने नारियल फल मीठा वगैरह सब दे करके अपने घर के लिए मुझे बुक कर लिया है। और ये देखो अभी भी मेरा साड़ी का पल्ला जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी साड़ी था दीदी का, तो भाभी जो है पूरा आंचल संभाल रही थी। और ये है मेरे ससुर जी, अब वो लोग सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे घर में यार सच में सब के सब बहुत ज़्यादा खुश है। देखो मम्मी और सासू माँ कितने एक्साइटमेंट के साथ गले लग रही है। तो मैं अपनी खुशियों की कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे देखने के बाद वो लोग चले गए हैं तो मैं बहुत अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर दूँ कि मैं खुश भी हूँ और थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गई हूँ। तो आप लोगों को वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। और अब तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब जो है शादी का सीरीज़ स्टार्ट हो ही जाएगा। कल पंडित जी आएंगे, डेट निकलेगा, तो नेक्स्ट मंथ में ही शादी का डेट निकलने की बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट किसी को भी नहीं करनी है। तो शादी का डेट निकलते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे फैमिली को बड़ा कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि और मुझे ब्लेसिंग्स देना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि अब मैं एक नई लाइफ में एंटर करने वाली हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी और एक वीडियो में, बाय बाय।